सब आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने ये इंडिपेंडेंस डे लुक किया है, ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से किया है, आप भी इसको इजी तरीके से अचीव कर सकते हैं और आप इसे इंडिपेंडेंस डे पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। मैंने अपने फेस पर लगा ली है मॉइस्चराइज़र क्रीम और अपने फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ कलर बार का प्राइमर और अपने जो पोर्स हैं उनको ब्लर आउट कर रही हूँ और अपनी आईब्रो को मैं कर रही हूँ फिल। आईब्रो फिल करने से एक अच्छी आईब्रो की शेप आ जाती है गाइज। मैंने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ अपना फाउंडेशन, आइवरी शेड है ये, और अपनी आईब्रो को और एज अ आई प्राइमर इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेबलिन का सुपर स्टे का आइवरी शेड और इसको एज अ प्राइमर अपनी आईज पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं आईब्रो के ऊपर भी इसको अच्छे से हाईलाइट, इससे आईब्रो अच्छे से हाईलाइट हो जाती हैं और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको पूरी आईज पर ब्लेंड कर लूँगी और अब मैं इसे लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए। अब मैं अपनी वे पैलेट से लेकर ऑरेंज शेड लेकर अपनी क्रीज को बिल्डअप कर रही हूँ क्योंकि हमें तिरंगा बनाना है। अब मैंने मैंने अपनी आई को कट करके हल्का सा कट क्रीज दिया है वही शेड लेकर और अब मैं क्रायलोन का रैम्बो सर्कल से सिल्वर शेड लेकर पूरी अपनी आईलिड पर इसको कर रही हूँ और एक राउंड ब्रश की हेल्प से ग्रीन कलर आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमें फ्लैग का कलर देना है आईज पर, तो पहले हम ग्रीन कलर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ मिड में, इसे मैं अच्छे से मर्ज कर लूँगी। देखिए अब मैंने लगा लिया है, मैंने कर ली है दोनों आईज कंप्लीट। अब मैं लगा रही हूँ अपना मेबलिन का स्केच लाइनर और एक बिल्कुल सिंपल सा लाइनर हिड में ड्रॉ करूँगी क्योंकि हमें सिर्फ फ्लैग की शेप दिखानी है, लाइनर वगैरह नहीं। मैंने दोनों पर अप्लाई कर लिया है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है गाइज ये, और अपने आईलैशेस को ये बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करता है। इसके दो कोड आपके अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको फेक लेसेस की नीड नहीं होती है। मैंने इसमें कोई फेक लेसेस नहीं लगाई हैं, देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ वाटर अंडरलाइन पर वाइट काजल, मैं अपनी दोनों आईज पर मैंने वाइट काजल अप्लाई कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ अपना वही सुपर स्टे मेबलिन का फाउंडेशन। गाइज बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आपको अच्छी कवरेज देता है और स्टे भी बहुत ज़्यादा है और मैं अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको पता ही है आई बेस का जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपना बेस जब भी अप्लाई करें ब्लेंड बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम लगा कर ब्लेंड ज़रूर करें, इसे अच्छे से आप ब्लेंड करें। देखिए ये हो रहा है ब्लेंड। अब मैं कर रही हूँ पाउडर, लूज पाउडर की हेल्प से अपने बेस को सेट कर रही हूँ, मैं अपने पोर्स को सेट कर लूँगी। अब मैं आगे लगा रही हूँ थोड़ा सिल्वर शेड क्योंकि नीचे भी हमें तिरंगे का ही शेड देना है। अब मैं लगा रही हूँ ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है, मैंने तीनों शेड अप्लाई किए हैं गाइज। मुझे ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था अपनी आईज का, देखिए अब मैंने इस आईज पर ही अप्लाई किया है और
अच्छे से इसको मर्ज कर देंगे एक साथ। और अब मैं नीचे की लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। देखिए गाइस, मैंने कर लिया है नीचे लैशेस पर भी अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लिया है। मस्कारा लगाने से अलग ही लुक आ जाता है आईज पर। अब मैंने ली है एक कैप ली है लिप लाइनर की, और उसमें ब्लू कलर लगाकर अब मैं बीच में तिरंगा को जो सर्कल होता है उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने इसे कैप से लगा लिया है, और अब बीच में मैं ब्रश की हेल्प से क्रॉस लगा लिए हैं। और अब मैं लगा रही हूँ अपना लिप बाम, और मैं अपने शेप को दे रही हूँ लिप लाइनर की हेल्प से शेप दे रही हूँ। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक। गाइज, मुझे ये शेड थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो मैंने इसको लाइट करने के लिए एक लाइट आई शेडो लेकर इसको हल्का सा लाइट करा है लिपस्टिक को। और अब मैं कर रही हूँ अपनी ब्राउनिंग। मुझे ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है गाइज, क्योंकि मेरा फेस जो है ऑलरेडी बहुत पतला है, लेकिन एक शेप देने के लिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं लगाया है अपना ब्लशर, हाइलाइटर लगाने से कितना ग्लो आ जाता है गाइस फेस पर। आई लव हाइलाइटर। अब मैंने अप्लाई कर लिया हाइलाइटर। अब मैं अपने आईब्रो बोन के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, हो गया है ये लुक कम्प्लीट। आई होप आपको ये पसंद आएगा ये मेकअप लुक। ये बहुत ही इजी तरीके से किया है। आप इसे किसी भी पार्टी वगैरह में, कोई ओकेशन रख रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पर, तो आप इसे लुक को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।